हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षकों की वैकेंसीज को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो रिक्त पदों को लेकर यहाँ पर जो है एक न्यू अपडेट निकल के आ रखी है ऑफिशियली। चलिए जल्दी जानते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है और इसमें यहाँ पर जो है नियुक्ति की रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा, काउंसलिंग जो भी है आपकी सभी की। चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड नरुरकेला देहरादून के कार्यालय पत्रांक से क्या आप लोग देखते हैं यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी जो आपकी शिक्षा भर्ती 2022-23 के लिए 9 जनवरी 2022 के द्वारा जो है जनपद नैनीताल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के रिक्त पदों हेतु यहाँ विभागीय वेबसाइट यहाँ पर देखते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट है स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार यहाँ पर समस्त जितने भी शैक्षिक और प्रशिक्षण अन्य जो वांछित जो आप यहाँ बता रहे हैं उन सभी की जांच की जानी है। अतः यहाँ पर जो है जनपद नैनीताल से चयनित समस्त अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु यहां पर अपने मूल शैक्षिक अनुभव है, शैक्षिक आरक्षण संबंधी जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है 3/2/2023 को प्रातः 11 बजे मुख्य आपका यहां पर शिक्षा अधिकारी नैनीताल, ठीक है, कार्यालय जो आपका रहेगा मुख्य शिक्षा अधिकारी के जो नैनीताल भीमताल में है उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उपस्थित होना है 11 बजे और 3/2 को यहाँ पर जो है आपको उपस्थित होने डॉक्यूमेंट लेकर और इन रिक्त पदों पर जो है आपकी तैनाती कर दी जाएगी जनपद में। जहाँ जहाँ पर गैर शिक्षक की वैकेंसी रिक्त है वहाँ पर जो है आपको भर दिया जाएगा। इसके लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लिस्ट अगर आपने देखी नहीं तो वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जनपद वार्ड निकल के आ रखे, इससे पहले भी आपके यहाँ पर 4 जनपद की मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें चंपावत है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है। तो आज ये नैनीताल जनपद का भी मैंने बता दिया 5 जनपद का। तो जो भी अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए